हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के 3 महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे। इससे बाहर आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये 3 ऐसे गद्यांश हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। ये आप लोग केवल 3 महत्वपूर्ण गद्यांश कंप्लीट कर लो। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं आपको पद्यांश का भी वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये गद्यांश आप लोग तैयार कर लेना जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां देखो, इसमें आप लोग सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो। गद्यांश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला गद्यांश है। इसमें है कि विश्वास पात्र मित्र, जो विश्वास पात्र मित्र होता है जीवन का एक औषधि है। औषधि का मतलब दवा, ठीक है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, मतलब जो उत्तम संकल्प है उससे हमें दृढ़ करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। और जो दोष होते हैं, त्रुटि होते हैं, उनसे हमें क्या करेंगे, बचाएंगे, ठीक है। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। और हमारे जो सत्य है, पवित्रता है और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जैसे हम लोग किसी गलत जगह, किसी गलत मतलब सोच पर पैर रखेंगे तो वो हमें क्या करेंगे, सचेत करेंगे, ठीक है। जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। जब हम हतोत्साहित का मतलब है कि जब आपको मतलब उत्साह ना मिले तो आपको उत्साहित करेंगे। और सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, ठीक है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होता है। अच्छी से अच्छी, ठीक है, अच्छी से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ठीक है। यह हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले यहां तक इसको पढ़ लिए। अब जो आपका रेखांकित अंश है उसको और भी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है। जैसे यहां से रेखांकित अंश है, तो सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, दो दो नंबर का। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर का। और यहां व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, 2 नंबर का, ठीक है। मतलब 6 नंबर आप यहां गद्यांश से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जितना गद्यांश बता रहा हूं पहले पढ़ो ध्यान से और उसको आप सॉल्व करो, नोट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे इसका, ठीक है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये तो पता ही होगा, विश्वास पात्र मित्र तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो बच्चों, संदर्भ, ठीक है। हमारा आ वाला जो है वो संदर्भ सबसे पहले पूछा है, संदर्भ लिखने के लिए। तो संदर्भ आप हेडिंग डाल दो और सबसे पहले आप संदर्भ को अच्छे से लिखना, ठीक है, अंडरलाइन करके अच्छे से लिखना जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखना प्रस्तुत गद्यावतरण, जो आपका प्रस्तुत गद्यांश है या फिर प्रस्तुत गद्य अवतरण, ध्यान से समझो, ठीक है। गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो कई प्रकार से लिख सकते हो, जैसे प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी, या फिर प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये मैं पहले क्या लिख रहा हूं, जो इसके लेखक है इसको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखो एक एक पॉइंट को, इसको मैंने ब्लैक से क्यों लिखा है, ताकि एग्जामिनर जब देखे एक बार तो लगे बच्चे ने पढ़ाई किया है और ये अंडरलाइन मतलब एकदम हाईलाइट रहे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, मतलब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब यहां आपकी पाठ्य पुस्तक ये कौन सी है, हिंदी है ना, तो हिंदी लिख दो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, हिंदी, ठीक है। इसको ब्लैक से लिखना, जो चीज मैं आपको जैसा बता रहा हूं वैसे ही लिखना, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, मतलब ये गद्य खंड है ना, तो हिंदी के गद्य खंड, ठीक है, ये आपका गद्य खंड है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, मतलब संकलित का मतलब है गद्य खंड में है, ठीक है, संकलित। और इस चैप्टर का नाम है मित्रता,
क्या नाम है बच्चों, मित्रता, ठीक है, मित्रता नामक निबंध से अवतरित है या नामक पाठ से लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो। सरल तरीका मैं आपको बताता हूं, नामक पाठ से लिया गया है, किसी में भी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, लिया गया है। यह है बच्चों संदर्भ लिखने का सही तरीका, ध्यान से समझ लो। वैसे संदर्भ दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो आप पाठ का नाम और जो लेखक का नाम है उसका हेडिंग डाल के लिख सकते हो, लेकिन यह संदर्भ का सबसे सही तरीका, ठीक है, ऐसे आप संदर्भ लिखना। फिर आप लोगों से यहां पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दो नंबर का, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे, यहां लिखा है सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होता है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहां व्याख्या बता देता हूं जो रेखांकित अंश, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जिस तरह कुशल, जो कुशल होते हैं, कुशल वैद्य जो वैद्य होते हैं, डॉक्टर अब होते हैं ना, पहले वैद्य होते थे, नारी देखकर तत्काल रोग का पता लगा देता है, ठीक है, पता लगा लेता है, नारी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है, उसी प्रकार जो एक सच्चा मित्र होता है वो हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है, और जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ कभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, मतलब कष्ट है फिर भी आपके साथ क्या करेंगी, मधुर व्यवहार करेंगी, मतलब मधुर मतलब मीठा व्यवहार करेंगी, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ समार्ग पर लगाता है, मतलब कुमार्ग का मतलब अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको हटाकर वो बहुत ही धैर्यता पूर्वक स्नेह से प्यार से वो उन्हें सही मार्ग पर लगाता है, ठीक है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो सके कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर चलना सिखाएगा या सुमार्ग की ओर ले जाएगा। बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो आपके सामने क्या करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे और आपको सही मार्ग नहीं दिखाएंगे, आपके अंदर गलत गलत बातों को भरेंगे ताकि ये भी बर्बाद हो जाए। तो आप लोग ध्यान से, अगर मित्रता करना तो अच्छे व्यक्ति से मित्रता करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और व्यक्ति को अपने मित्र से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, जो व्यक्ति है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो व्यक्ति को देखो, व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, हमारे मन में अच्छे अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों से बचाएंगे, ठीक है, और सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, ठीक है, सत्य असत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, ठीक है। यह हमारा हो गया तीन क्वेश्चन और ये तीनों आपके 2+2+2 यानी कि 6 मार्क्स का आएगा। तो यह हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश, पहला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है जो आपको पढ़ लेना है ध्यान से, ठीक है, देख लो पहला, फिर हम लोग देखेंगे अगला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो गद्यांश है वो दूसरा नंबर हमारा गद्यांश है, देख लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको बता रहा हूं बच्चों वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। एक गद्यांश मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा समझो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, जो कुसंग का ज्वर होता है बच्चों वो सबसे भयानक होता है और यह केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है, ये नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता बच्चों बल्कि ये बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, यदि कोई युवा पुरुष है और उसकी संगत बुरी होगी तो क्या होगा, किसी युवा पुरुष की संगत अगर बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जैसे अगर पैर में चक्की बांध दिया जाए तो ना आप आगे बढ़ सकते हो और पीछे तो जाएंगे ही और वही आपका मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वही बात बता रहे, समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन या दिन दिन औन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, औन्नति का मतलब है कि उन्नति ना करना, औन्नति, ठीक है, औन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, और यदि उसकी मित्रता अच्छी होगी बच्चों तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इससे आपका प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखो, या फिर इससे आप लोग संदर्भ कह सकते हो, ठीक है, संदर्भ भी एक ही बात है, चाहे आपका पाठ का नाम लेखक का नाम का है या फिर संदर्भ है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और यहाँ युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो बच्चों यहां पहले आप रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ लो कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और यह केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आप सबसे पहले आप ये समझो ये किस चैप्टर से
लिया गया, इसके लेखक कौन है? तो बच्चों ये भी मित्रता ही चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। मित्रता ही चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसका संदर्भ लिखो, जो कि आप लोगों को यही लिखना है जो मैंने बताया। संदर्भ सेम ही है, जो कि आपके चैप्टर सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो संदर्भ में क्या है कि चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और लेखक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। वही चीज आपको यहां लिखना है, देखो यही चीज आपको इस चैप्टर के हर एक गद्यांश में लिखना है, ठीक है। ये संदर्भ सेम ही रहेगा। अब मान लो आपका दूसरा है तो वो लिख देना, प्रस्तुत गद्यावतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। मतलब आपको एक ही चीज रखना है और केवल लेखक का नाम और पाठ का नाम चेंज करना है और कुछ भी नहीं चेंज करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लो। सबसे पहले रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ लिया, अब रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग देख लो ध्यान से। देखो सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या देखो। शुक्ल जी कहते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो क्या कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जैसे एक घातक बुखार होता है जो जान भी ले सकता है, ठीक है, जान भी ले सकता है ना, तो वो एक मतलब घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। अगर एक कोई व्यक्ति है जो भयानक ज्वर उसके अंदर काफी तेजी से ज्वर है तो फिर उसके शरीर और मतलब उसके शरीर को भी नष्ट कर देती है, उसका स्वास्थ्य भी खराब कर देती है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, तथा कभी कभी ऐसा समय आता है कि प्राण भी ले लेता है, ठीक है, जान भी चली जाती है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता सदाचार मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार जो एक बुरी संगति का व्यक्ति होता है, ठीक है, बुरी संगति हमारी नैतिकता सदाचार मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। कहीं आप अच्छी जगह बुद्धि लगाने के सोचोगे तो आपका बुद्धि ही नष्ट कर देगा, कहीं आप अच्छी जगह मन लगाओगे तो आपका मन बिल्कुल से बुरी संगति वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से ये सब समझो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए भी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा है, मतलब युवा पुरुष के संगति के बारे में, देखो युवा पुरुष की बुरी संगति उसे औन्नति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट अगर मित्र बनाए तो अच्छा मित्र बनाए, वो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचारों को प्रवाह करे, आपको हमेशा प्रोत्साहित करे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताया हूं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो आपको पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना, फिर हम लोग अगला देखते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश गद्यांश। तीसरा जो हमारा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है, क्योंकि जितना मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। देखो भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, जिस तरह यहां की जो बोलियां हैं उनकी गिनती आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, ठीक है, उसी तरह यहां भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय की गिनती आसान नहीं है। जिस प्रकार यहां कई प्रकार के बोलियां मतलब लैंग्वेज है, उसी प्रकार से यहां कई प्रकार के धर्म भी हैं, ठीक है, मतलब अगर बोलियों की गिनती करना आसान नहीं है तो भिन्न भिन्न धर्मों की संप्रदाय की भी गिनती करना आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी है हड़बड़ा कर कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, और यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है बच्चा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने को आएगा, ठीक है, जो गहराई से चीजों को नहीं समझता उनको विभिन्नता ही देखने में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो इसमें तीन क्वेश्चन ही अलग चैप्टर्स है, सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा इससे पूछ सकता है पाठ तथा लेखक का नाम लिखो, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करो, तीसरा प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे, ठीक है, संदर्भ हेडिंग डाल दो और मैं आप लोगों को बता देता हूं वैसे लिखो, ठीक है। संदर्भ में कुछ है नहीं, पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस यही चीजें होती हैं,
और वही आप लोग गलती कर दोगे तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग संदर्भ को ध्यान से लिखना, जैसे चीजें एक ही चीजें होती हैं तो आप लोग, जैसे मैं इसको दूसरे टाइप से बता देता हूं ताकि आप लोग दो तीन टाइप से समझे रहो, ठीक है। प्रस्तुत जो गद्यांश है, जो ये हमारा गद्यांश दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये दूसरे टाइप से बता रहा हूं, ठीक है, दोनों टाइप से याद रखना। हमारी पाठ्य पुस्तक, जो ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, और ये हमारा हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी को ब्लैक से लिखना, जो कि मैंने पहले ही गद्यांश में बताया, ठीक है, हिंदी, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, ये कौन सा है? हिंदी के गद्य खंड है, क्या है? हिंदी के गद्य खंड है, ठीक है। गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, और इसके मतलब जो लेखक है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर, जिसको व्लेख से लिखना है क्योंकि ये सब मेन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, द्वारा लिखित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, और ये हमारा मतलब जो पाठ का नाम है वो है भारतीय संस्कृति, क्या है? भारतीय संस्कृति। बच्चों थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल से आपको अच्छा ही रहे, ठीक है। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, बस बच्चों यही चीज आपको ध्यान से समझना है, बस हो गया। तो ये हमारा हो गया संदर्भ, क्योंकि आप लोग मेन मेन चीज याद रखना कि हमें इसको ब्लैक से लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम ब्लैक से लिखना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हमें करना है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, लेखक या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देश के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहां के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हों, मतलब अपरिचित हों, घबरा जाते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश ही नहीं बल्कि यह तो अनेक देशों का समूह है। भारत एक अकेला देश नहीं है, यह अनेक देशों का समूह है, और यहां के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं अपितु भिन्न भिन्न जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस तरह इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने का योग कुछ भी नहीं है, मतलब अगर ऐसा कहते हैं तो इसमें आश्चर्य करने की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं और इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी, ठीक है, उनको विभिन्नता ही नजर आएगी। अब इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, इस गद्यांश में, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक का क्या कहना चाहता है वो भी समझ लो। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत की भूमि की विभिन्नता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है। इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना छलकती है, ठीक है। बस इतना बच्चों, मैंने आपको तीन ऐसे गद्यांश बता दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पद्यांश पर भी वीडियो चाहिए ना तो छोटा सा कमेंट कर देना, क्योंकि छोटा सा कमेंट कर दोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा और आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा तीन ऐसे गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको तैयार करके ही एग्जाम में जाना है। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।